बीएसपी विधायक रामबाई को कांग्रेस सरकार से लेकर अब तक बीजेपी सरकार के लोगों तक ने मंत्री पद का आश्वासन दिया। रामबाई के मुताबिक बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें मंत्री बनाने का वचन तक दिया था, लेकिन पहली खेप में रामबाई को मंत्री पद नहीं मिला। अब मन महसूस कर रामबाई कह रही हैं, जो बीजेपी को ठीक लगेगा वो बीजेपी करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच बसपा विधायक रामबाई स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंची। मंत्रिमंडल में शामिल होने पर रामबाई ने कहा कि बीजेपी की जो नीति है उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगे। मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है, क्षेत्र की जनता का विकास महत्वपूर्ण है, पहले इस पर प्राथमिकता है। आगे बीजेपी की सोच है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हालांकि रामबाई ने कुछ समय पहले कहा था कि कई बीजेपी नेताओं ने उन्हें मंत्री बनाने का आश्वासन दिया है। ये देखो, बीजेपी की खुद की नीति है और उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगे। मुझे अपने क्षेत्र का विकास करवाना है, क्षेत्र की जनता का विकास महत्वपूर्ण है, तो मैं पहले उस पर प्राथमिकता मेरी है। आगे उनकी खुद की मतलब है, सोच है, क्या उनको सही लगता है, क्या लगती सही है क्या नहीं, उसमें हम कुछ नहीं बोलते। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।